बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बयानबाजी जारी है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष पर लगातार हमलावर है, तो वहीं इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। राजधानी पटना में एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जेडीयू अध्यक्ष ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए पूछा, जिस तेजस्वी यादव के पास बोर्ड की डिग्री नहीं है वो चिट्ठी कैसे लिख रहे हैं, उनकी चिट्ठी कौन लिख रहा है, वो किससे चिट्ठी लिखवा रहे हैं। आरसीपी सिंह ने तेजस्वी पर हमला बोलते हुए कहा, उन्हें अपने माता पिता के कार्यकाल को देखना चाहिए, उस वक्त कितने नरसंहार हुए, अब उन्हें ये सब कैसेट बजाना बंद करना चाहिए। अगर उन्हें कुछ देना है तो वे बिहार के विकास को लेकर सुझाव दें, हमारी सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी। दरअसल बीते दिनों तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर एक पत्र लिखा। पत्र के जरिए उन्होंने सूबे की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया और सीएम को इस स्थिति का जिम्मेवार ठहराया था। तेजस्वी ने कहा था, माना आप जबरन मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, लेकिन आप सीएम पद की जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते, आपके 15 साल के कुशासन से अतीत कहीं ज्यादा सुनहरा था। तेजस्वी ने पत्र में लिखा था, कानून अपना काम कर रहा है, हम न किसी को फंसाते हैं न बचाते हैं, जैसे पुराने जुमलों से अब काम नहीं चलेगा। अपराध मुक्त बिहार बनाने के लिए विपक्ष सरकार को हर तरह से सकारात्मक सहयोग प्रदान करने के लिए तैयार है। आप बिहार में हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण की सुनामी को रोक आम जन को बचाइए। वहीं अब तेजस्वी के इसी पत्र पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने हमला बोला है।